हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम अपने फेस पे लगाएंगे यहाँ पे गुड वाइब्स की रोज़ वाटर टोनर। आप कोई भी टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुड वाइब्स की रोज़ टोनर यूज़ किया है। इसके बाद अच्छे से इसे ड्राई होने के लिए देंगे। उसके बाद हम बहुत ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगाओगे आपके जो फाउंडेशन है वो इतने अच्छे से वो निखर कर आएगा। तो इसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो जो है ना स्किन बहुत ड्राई होने लगी है, इसलिए मैं अच्छे अमाउंट में पूरे चेहरे पे लगाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ओलिविया का, तो यहाँ पे सन टोन की जो शेड है वो मैं यहाँ पे लूँगी और पूरे चेहरे पे लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और इसे लगाने से ये बहुत ही पाउडरी पैनकेक जो होता है ये पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। और ये आपके ब्रश के मदद से आप आराम से इसे लगा सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जैसे आपकी लिक्विड फाउंडेशन होती है उसमें आपको सेट करना पड़ता है फाउंडेशन को, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला काफ़ी है। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर आंखों के सामने, क्योंकि हमारा जो आई मेकअप है आज हैवी आई मेकअप है, तो हमें इसलिए आँखों के एरिया को बहुत ही ब्राइट रखना है, ताकि जो है जो कलर हम लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए। तो ये जो लुक है सनसेट लुक, ये बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप है, इसमें टाइम भी उतना ही लगता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगा था, पर लुक बहुत ही अच्छा निखर कर आया है। और आप इसे किसी भी पार्टी वार्टी लुक में, शादी के टाइम में, फेस्टिवल में बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है आँखों के ऊपर फिर से लगाऊंगी और हाथों से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पॉन्ज से मदद के आप करोगे ना तो उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। तो आप देखो मैंने फिंगर के टिप से धीरे धीरे आराम से किया था तो बहुत ही अच्छे से वो ब्लेंड हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर लूँगी स्विस बीटी का और इसे मैं आईब्रोज़ को हाइलाइट करूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ फिल करूँगी। तो पहले मैं एक आउटलाइन बना लेती हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है, और फिर जाके और फिर अपने नोज़ को भी कर लूँगी जहाँ मुझे हाईलाइट अपना रखना है। तो बाकी का मैं बात करूँगी। तो अभी मैं अपनी जो और इसमें शिमरी लुक भी है, मैटे लुक भी है, हर तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको लाइट से लेकर डार्क शेड हर चीज़ लगा के दिखाऊंगी, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में पिगमेंटेशन कैसा होता है। तो चलो ये वीडियो भी आपके लिए एक रिव्यू है कि आप कि आप उसे ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं अभी ब्लेंडर की मदद से अपने जो हाइलाइटर जो मैंने लगाया उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से। हमारा मेन पॉइंट है हमारे आईज़, क्योंकि आज का जो लुक है टोटली आईज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसी पे इसलिए मैं यहाँ पे मैं हाइलाइट को ब्लेंड करूँगी। ज़्यादातर मैं हाइलाइट यूज़ नहीं करती हूँ, पर आज के लुक के लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। हालांकि इसकी कॉन्टूरिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट हाइलाइटर अच्छा काम करती है आईज़ के लिए एंड नोज़ के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो इनर जो वाइट कलर की शेड है ये मैं लगाऊंगी, ताकि जो है शेप में दिखे मेरी आईब्रोज़। और अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की मदद से, और दूसरे साइड भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये लाइट कलर वाइट कलर की है ताकि जो है शेप में दिखे। अगर आपके आईब्रोज़ भी अगर शेप में नहीं है तो इसके मदद से आपके आईब्रोज़ जो हैं पूरे शेप में दिखेंगे।
तो इस तरह से मैं फिल कर लूँगी, जो भी हल्का फुल्का जो डिस्कलरेशन दिख रहा है उससे मैं फिल कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैं लूँगी यह येलो कलर का आई शेडो और फिर उसे मैं लगाऊँगी अपने इनर आइज़ में। सबसे पहले येलो कलर से मैं लाइट कलर से स्टार्ट कर, तो यहाँ पे मैं इनर आइज से स्टार्ट करूँगी। हमेशा मैं कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, क्रीज से, बट इस बार मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। तो इसके बाद मैं लगाऊँगी ऑरेंज कलर। जी हाँ, जैसे आप सनसेट है तो सनसेट में आप देखे होंगे पहला लाइट दिखता है बिल हल्का सा ऑरेंज, फिर पिंक, इस तरह के कलर, डिफरेंट कलर सनसेट में दिखते हैं। तो वही मैं अपने आईज़ में आपको दिखाऊंगी आज कि कैसे आप अपने आईज़ में भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आराम आराम से लगाइएगा, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ब्लेंड जो होता है ना ये जल्दी में नहीं होता है। अब जितने ही आराम से करोगे उतना अच्छा होता है। अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप अगर ब्रश में कंफर्टेबल नहीं है ब्लेंड करना, आप अपने हाथों के जो फिंगर्स होते हैं उससे आप कर सकते हो हल्का हल्का, तो इससे भी अच्छा लुक आता है। आप यहाँ देखिए इसकी पिगमेंटेशन, यहाँ पे पिगमेंटेशन इसकी इतनी अच्छी है इस पैलेट की, मतलब सस्ते में आपको एक तो बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, चाहे लाइट हो या डार्क हो, और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन आ रहा है। यहाँ पे देखो लाइट कलर भी बहुत अच्छी दिख रही है, डार्क कलर भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं अब येलो के बाद ऑरेंज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और यहाँ मैं अभी लूँगी पिंक कलर। ये जो रानी पिंक होती है वो वाली है, इस पैलेट में वो पिंक कलर नहीं था, बट मेरे ह्यूडा ब्यूटी पार्लर का यूज़ किया है, तो इसे मैंने साइड से ऑरेंज के बाद पिंक कलर यूज़ करूँगी। तो ये जो आई लुक है ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको देखिएगा कैसा लगता है। तो ये मैं बिल्कुल आईज़ के एंड तक मैं इसे कर लूँगी हल्का सा, और स्मच कर दूँगी ताकि वो स्टिकी ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि आपने कोई कलर लगाया है। कलर बिल्कुल ब्लेंडेड दिखना चाहिए कि जैसे शेड्स में आए, कि भाई लाइट से डार्क ऐसा शेड आए। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप मल्टीपल कलर्स यूज़ करते हैं। तो इसके बाद में लास्ट में पर्पल कलर का जो है उससे अपना क्रीज कंप्लीट करूँगी। तो ये भी मैं हल्का रखूँगी लास्ट में, क्योंकि ज़्यादा लंबा रखना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने आई के हिसाब से आप अपने अपने आईज़ के हिसाब से आप देख कर कीजिएगा। मेरे आईज़ में यहाँ तक ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर पर्पल शेड से बस क्रीज तक ऊपर से नीचे तक मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो आप खुद देखिए शेड किस तरीके से आ रही है, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, येलो, सारे कलर नज़र आ रहे हैं। ये जो पर्पल मैंने यूज़ किया है ये थोड़े शिमरी में है, तो ये और भी अच्छा लुक आ रहा है इससे। तो मेरे पास मैटे नहीं था इसलिए मैंने इसमें शिमरी वाला लुक दे दिया। तो ये गाइस, ये हो गया हमारा आई शेडो कम्प्लीट। तो मैं यहाँ फिर से एक बार हल्का सा टचअप कर लूँगी लास्ट में, क्योंकि जो है आपके आँखों के स्टार्टिंग और एंड का लुक ही नज़र आता है आप जब भी फ़ोटोज़ लोगे। तो यहाँ पे मैं फिर से शिमरी वाला जो हमारा आई शेडो है उसी से मैं इसे फिर से आईब्रो के एंड में लगा लूँगी, ताकि तो वो एरिया थोड़ा खाली ना लगे, बिल्कुल कंप्लीट लगे। और यहाँ पे मैंने NY का खोल लिया है, ये भी बहुत अच्छा पिगमेंटेड है, और इसी से मैं अपना आईलाइनर बनाऊंगी और काजल भी लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लाइक कोल है जो कि आप आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन काजल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद देखिए इसकी पिगमेंटेशन कैसी है, और बहुत ही किफ़ायती भी है। तो इसका रिव्यू मैंने डिटेल में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे बताया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर से देखिएगा वो। तो ये रहा मेरा लुक, हो गया अब कंप्लीट आई का। तो मैं यहाँ जॉइंट कर दूँगी आँखों आगे से लॉक करके पीछे तक, ताकि आँखें जो है अच्छी से नज़र आ जाए। फिर इसके बाद जो है हमारा जो शिमरिंग जो कलर है वो वाला मैं आंखों के सामने लगाऊंगी, ताकि आंखें थोड़ी बड़ी लगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगा लूँगी। तो ये बहुत ही इजी है गाइस, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, वरना ये इजी है लुक क्रिएट करना। आप आराम से इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं लूँगी ब्लैक कलर के आई शेडो,
और इसे अपर आंखों के ऊपर जो हमने लाइनर लगाया है उसमें मैं इसे स्मज करूँगी। स्मज करने से ये थोड़ा सा जो हार्ड लाइन है वो थोड़ा सॉफ्ट दिखेगा और साइड में एक लाइन भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी हमारे आंखों के नीचे गिरा होगा वो मैं क्लीन कर लूँगी इस तरीके से, देखिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे येलो कलर का जो आई शेडो है उसे लेकर आँखों के नीचे जो हमने काजल लगाया है ठीक उसके नीचे ही आपको ऐसे हल्का हल्का लगाना है ऐसे शेड, वरना ये थोड़ा जैसे ड्रामेटिक है तो फेस्टिव लुक है इसलिए मैंने यहाँ नीचे भी लगा लिया है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद आप मस्कारा लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है और फ़िलहाल मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली फॉर वीडियोज़ बनाने में ही मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ। और फिर अगर आप चाहो तो फेक लैसेस यूज़ कर सकते हो, बट मेरी ग्लू ख़त्म हो गई इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए मैं पिंक कलर का शेड बनाऊँगी तो यहाँ मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊँगी कलर एसेंस का और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हल्का पिंक दिख रहा है बट ये रेड कलर है। इसके बाद ये जो न्यूट कलर का जो है लिपस्टिक इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा रूबी पिंक नज़र आएगा तो ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये हाईली पिगमेंटेड लिपस्टिक है, ये निकलती नहीं इतने अच्छे से तो इसलिए मैं ये कलर एसेंस का लगाती हूँ। और इस सेम लिपस्टिक जो रेड कलर का इस्तेमाल किया था उसी से मैं अपना रोज़ बनाऊंगी। तो ये देखिए गाइस मेरे आई शेडो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही रेनबो वाला लुक आ रहा है इसमें, सनसेट बोलो रेनबो बोलो जो भी बोलो डिफरेंट कलर्स निखर के आ रही हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये नया ट्रेंडी लुक ट्राई करने में। फिर यहाँ पर हम अपने शिमरिंग जो पाउडर है उसे अपने नोज़ को हाईलाइट करेंगे क्योंकि इसी से ही तो पूरा लुक डिपेंड करता है, क्योंकि नोज़ भी आपकी हाईलाइटेड हो तो आप कॉन्टोरिंग ना भी करें तो भी चलेगा, बस आपके थोड़े नोज़ हाईलाइटेड रहने चाहिए। तो ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक और बिल्कुल कंप्लीट है। ये आप दुर्गा पूजा दिवाली कोई भी अपकमिंग फेस्टिवल में यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मी, मुझे अच्छा लगेगा। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।